ये हुआ कि उसकी जो जर्नी की डिस्टेंस थी वो 10 किलोमीटर थी, है ना, यानी ऑप्शन भी। अब मैं आपको कह रहा हूँ इन चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं है, मन ही मन में काम कर डाला करो। अभी की बात का जवाब दो, अगर ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है मेरे बेटे, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है। भाई स्पीड से ज़्यादा लेट हो रहा है, स्पीड से ज़्यादा तो भी लेट हो रहा है, तो ऐसी कौन सी स्पीड है जिससे मैं कह दूँ कि बिल्कुल टाइम पर पहुंचेगा, लेट रहा हूँ? कौन सी स्पीड लूँगा जिससे टाइम पर पहुंच जाए तो लेट रहा हूँ? आप कहेंगे देखो सर हम इसी स्पीड से चलाते हैं, तो सर 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर जाएंगे कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटे, 1 घंटा मतलब 60 मिनट सर। 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर अगर हम सर जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, मतलब 60 मिनट, 60 मिनट लगा, यानी मैं यहाँ 1 घंटे में पहुंच गया। पहुंच के मैंने कहा यार मैं तो आज 15 मिनट लेट पहुंचा, मतलब आप ध्यान से सुना, मतलब आप 60 मिनट में वहाँ पहुंचे, 1 घंटे में वहाँ पहुंचे, 60 मिनट में पहुंचे, पहुंच क्या करें आज 15 मिनट लेट हो, इसका मतलब आज आपने जो समय लिया 15 मिनट को ज्यादा लिया है ना, तो 60 मिनट में पहुंचे और 15 मिनट लेट पहुंचे, तो इसका जनरली आप टाइम लेते थे 45 मिनट, यानी सामान्य समय जो है, सामान्य समय मेरे बेटे जो होगा वो होगा 45 मिनट, यानी 45 मिनट में नॉर्मली आप जर्नी कवर करते थे, आज 60 मिनट लिया तो आपने कह दिया 15 मिनट ज्यादा लिया। आप इससे ना लेके इससे ले लें भाई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 12 की स्पीड से जाओगे तो 10 बटे 12 घंटे लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो गया। मिनट निकालने के लिए किसे गुणा कर देंगे 60 से, कहां है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 12 5 60 15 50, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 12 की स्पीड से यहां से यहां तक 50 मिनट में पहुंचा, और जैसे ही 50 मिनट में यहां से यहां तक पहुंचा तो इसने कहा मैं 5 मिनट लेट हो गया, 50 मिनट में पहुंचा लेकिन 50 मिनट में पहुंच के कह रहा मैं 5 मिनट लेट पहुंचा, इसका मतलब नॉर्मली वो कितना टाइम लेता था 45 मिनट, तो 5 मिनट लेट हुआ, 45 मिनट के बाद घंटे बनाएंगे बटे 60 15 45 15 60। अब जाना चाहो नॉर्मल स्पीड है तो डिस्टेंस कितनी थी 10 किलोमीटर, और नॉर्मल स्पीड है ना नॉर्मल टाइम का 3 मिनट तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो 43/40/3 किलोमीटर मेरे पैर बच्चों, ये आ गई आपकी स्पीड, यानी ये उसकी नॉर्मल स्पीड है जिससे वो टाइम पे पहुंचा था, 45 मिनट नॉर्मल टाइम है जिससे उसे वो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है ना। अब इस वाले सवाल में मैं आपसे नॉर्मल स्पीड जानना चाह रहा हूं, नॉर्मल टाइम जानना चाह रहा हूं। बेटे देखो डिस्टेंस अभी 30 किलोमीटर, हां मेरे नन्हे मुन्नू एक बात बताओ, इस बतिया को गोली मारते हैं और इस बात को याद रखते हैं कि भैया ये 10 मिनट लेट था, ये 5 मिनट जल्दी पहुंचे। आइए दोस्तों कहानी है, मैं आपसे जाना चाह रहा हूँ कि अगर वो 30 की स्पीड से 30 किलोमीटर जाए तो कितना टाइम लगा पाएंगे? 1 घंटा 60 मिनट, यानी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 60 मिनट लेता है, और कहता है 60 मिनट में पहुंच के कहता यार मैं तो 10 मिनट लेट हो गया, तो 60 मिनट में पहुंचा लेकिन कहता 10 मिनट लेट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो जनरली 50 मिनट में आता था। अच्छा बात की टीम सेमीफाइनल में चला गया हुआ मुबारक, तो जो नॉर्मल टाइम आया मेरे बेटे 50 मिनट है, 50 मिनट के घंटे बनाएंगे, 50 बटे 60 यानी 5 बटे 6 घंटे। आज तो पीवी सिंधु भी जीते ना गोल्ड मेडल क्वार्टर फाइनल में, आई मेरे दोस्तों। अब दोस्तों मेरी लड़ाई ये है कि 40 की स्पीड से अगर 30 किलोमीटर चला जाए तो कितना टाइम लगेगा, तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 40 की स्पीड से चलता तो टाइम देता 3 बटे 4 घंटे, 60 से गुणा कर देते तो 4 15 45, यानी 45 मिनट में मेरे प्यारे दोस्तों ये डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेता, 45 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेता, और यहाँ से यहाँ तक 45 मिनट में पहुंच के ये कहता यार मैं तो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। 45 मिनट नहीं, पीवी सिंधु भारत को हो गई बट ब्रॉन्ज मेडल जीती, ऐसा मैं भी फेसबुक देखा था, सिंपल खाना था भाई। तो यहाँ से यहाँ तक 45 मिनट में तो पहुंच गई, पहुंच गया लेकिन 5 मिनट जल्दी पहुंचे, तो 45 मिनट पहुंचे और 5 मिनट जल्दी पहुंचे, तो इसका मतलब पहुंचना कितना देर था? 50 मिनट है ना, तो टाइम आ गया स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस 30 किलोमीटर, अभी निकाले तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर, बट टाइम हो गया 5 बटे 6, 5 इंच 36 स्पीड होगी 36 किलोमीटर पर, यानी बाबू नॉर्मल स्पीड 36 किलोमीटर पर, नॉर्मल टाइम 5 बटे 6 घंटे 50 मिनट, समझे?